पहले मैं आपको एक पोएट्री मैंने जेएनयू को लेकर लिखी है। माइक 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 गहरी होती जाएगी शब शब मीन्स रात डार्कनेस इट इंडिकेट्स ओनली अंधेरा लागन सी बल खाएगी शब गहरी होती जाएगी शब लागन सी बल खाएगी शब जेएनयू के बागीचे में वो देखो उस पेड़ के पीछे जेएनयू के बागीचे में वो देखो उस पेड़ के पीछे कुंडली मारे फन फैलाए उस झाड़ी झंकाड़ के नीचे अंधियारे में सुबह से पहले कितनों को डस जाएगी शब अंधियारे में सुबह से पहले कितनों को डस जाएगी शब मौसम है बरसात का प्यारे घिर आए हैं बादल काले इक्का दुक्का थे जो तारे डूब चुके या डूबने वाले और अभी कुछ देर में होगी बारिश गहरा जाएगी शब गहरी होती जाएगी शब बस्ती बस्ती आग लगी है गुलशन गुलशन वीराना है हर वो है गद्दार वतन में जिसकी सोच जुदा गाना है रोहित जैसे और अभी कुछ तुलबा को खा जाएगी शब रोहित जैसे और अभी कुछ तुलबा को खा जाएगी शब गहरी होती जाएगी शब पेशानी पर तिलक किए हैं और कमल का फूल लिए पेशानी पर तिलक किए हैं और कमल का फूल लिए एक हाथ में भगवा झंडा दूजे में त्रिशूल लिए एक हाथ में भगवा झंडा दूजे में त्रिशूल लिए अब झूठी हुब्बुल वतनी का जबरन पाठ रटाएगी शब अब झूठी हुब्बुल वतनी देश प्रेम अब झूठी हुब्बुल वतनी का जबरन पाठ रटाएगी शब गहरी होती जाएगी शब एक चमन के फूल है सारे एक हमारा माली है इतनी नफरत आई कहाँ से कितने दिलों में डाली है इतनी नफरत आई कहाँ से कितने कितने दिलों में डाली है जादोपुर से जेएनयू तक मनुवाद चलवाएगी शब जादोपुर से जेएनयू तक मनुवाद चलवाएगी शब गहरी होती जाएगी शब सोच पे भी जब पाबंदी हो वो भी कैसी आजादी है सोच कभी जब पाबंदी हो वो भी कैसी आजादी है ये भी कोई मौसम गुल है बूटा बूटा फरियादी है अशफाकुल्ला और बिस्मिल का अफसाना दोहराएगी शब गहरी होती जाएगी अब मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ मैंने कल पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा जेटली साहब ने कहा है वी हैव वन बैटल ऑफ आइडियोलॉजी इन जेएनयू मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ के बहुत देर हंसता रहा और मजबूर है मुझे सोचने मजबूर हो गया क्या लाठी डंडे से आइडियोलॉजी जंग जीती जा सकती है डंडा चला के भी आपकी सोच बदल सकता है मुझे तो नहीं लगता कि डंडे से सोच बदली जाती है बहुत पहले पृथ्वीनारायण चकबस जी थे उनका एक शेर था मुझे असीर करो या मेरी जुबा काटो मेरे ख्याल को बेड़ी पिढ़ा नहीं सकते मेरी जुबा काटो मेरे ख्याल को बेड़ी पिढ़ा नहीं सकते पूर्वांचल सेना के प्रेसिडेंट आदर शर्मा पोस्टर लगाते हैं जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट और देशद्रोही कन्हैया को गोली मारने वाले को पूर्वांचल सेना की तरफ से 11 लाख रुपए का इनाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट कहते हैं 5 लाख रिवार्ड फॉर कटिंग ऑफ कन्हैया कुमार टंग्स सच ए नॉनसेंस ये सब क्या है अब कहाँ है क्या ही उन दिनों की याद नहीं दिलाता जब महात्मा गांधी गोली मारी गई थी जहाँ तक विचारों का सवाल है हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी के जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं ये इसकी इजाजत हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है अगर ऐसा ना होता सपोज कर लीजिए कोई बेंच बनी है उसमें 11 जज हैं जैसे आप बैठे वो समझ सकते हैं इसको 5 जज की राय एक है 6 की एक है तो 6 का जज जो जजमेंट आएगा प्रिवेल करेगा और उस पर इम्प्लीमेंट लेकिन क्या वो 5 जज नहीं है जिनकी राय थी जजेस की राय डिफर करती है अगर वो उसमें से कोई जज बैठा होता एक जज उधर का आ जाता फैसला उधर हो जाता
एक ये रिजल्ट आ जाता फैसला इधर हो जाता। तो फैसले में फिचुलती है, हमारा कानून बताता है लागू जरूर होगा लेकिन हमें चैलेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं फैसला गलत है। अगर किसी ने फैसले को चैलेंज किया इस आधार पर उसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम रोज हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते, मैं तो हाईकोर्ट में हूँ डेली, हम पुराने जजमेंट्स को कहते हैं इट इज रॉन्ग, ये गलत है, और उस जजेस दूसरे जजेस को मानते हैं, उसको ओवररूल कर देते और नया जजमेंट आ जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जजमेंट जो था वो सही था? मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड टू क्रिटिसाइज एनी जजमेंट इधर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट, किसी का भी जजमेंट वो हमसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये हमें पावर्स हैं। और अदरवाइज ऐसा ना होता कि एक कानून आ जाता, एक जजमेंट आ जाता, वो हम इसीलिए हम कहते हैं कि हम जुडिशरी पर भरोसा उस हद तक नहीं कर सकते, हाँ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। जुडिशरी जजमेंट तो बदलते रहते हैं, यही बदलते हैं। और फिर दूसरी बात, मैं अभी एक नई बात बताऊँ, सो सकता है दो चार मिनट आपके राजा ले लूँ। कभी ये कहा जा रहा है कि इशरत जहां के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक सेकंड एफिडेविट दे दिया, इट मींस कि इन्वेस्टिगेशन में हेर फेर हुआ और उस हेर फेर के बिना पर किसी को आतंकवादी या किसी को अपना आतंकवादी ठहरा दिया गया या ये मान दिया गया कि इशरत जहां के ऊपर जो अमित शाह वगैरह को गलत फंसाया गया। तो अगर एक केस में इंफ्रास्ट्रक्चर गलत हो सकता है, गवर्नमेंट करा सकती है, दूसरे में चोरी करा, तो सिर्फ इस बिना के ऊपर किसी को देशद्रोही कह देना कि साहब उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये कौन सी मानसिकता है? बस इस हिसाब का अपनी बात समझना। आप आए हमारे बीच में और अपनी बात रखें। दोस्तों अभी हम लोग अपना शुरू करेंगे, लोकेश जैन साहब यहाँ पे हैं।